देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उसके बारे में समझेंगे। तो ये चीज़ें जिनको नहीं पता है वो सीख सकते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है। आपको पता है और आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इसमें कोई नई जानकारी मिले। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो RPP इंस्टीट्यूट है, देख सकते हैं, और आप कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। फीस 19,200 है, रहना खाना फ्री है। हमारा सितंबर का बैच फुल है। सितंबर के लिए जो भी भाई फ़ोन कर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि फुल है। अक्टूबर की बुकिंग चालू है जिसमें कुछ सीट हमारी खाली है। आप अक्टूबर में आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 19,200 फीस है, रहना खाना फ्री है। फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ कम सिखाएंगे, पूरा काम आपको सिखाएंगे इसमें। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप लेवल, IC लेवल का, EMMC का, मतलब पूरा रहेगा, बेसिक टू कम्प्लीट पूरा काम। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो है हमारा कुछ ICs हैं, इन ICs के बारे में। आप देख रहे हैं कि ये चार तरीके की मैंने ICs यहाँ पर रखी हुई हैं। ये चार तरीके की जो ICs मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज। तो देखिए, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन ICs की पहचान करेंगे, इस ICs को क्या नाम से जानते हैं। आप कह रहे होंगे कि ये हमारा क्या है ICs, ये भी आई सी तो है, ICs तो हैं, लेकिन कौन सी ICs है, इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, ये जो ICs है, जो हमारी ICs होती है ना, उसके दो तरफ पिनें होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, एक एक ICs को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ICs के दोनों तरफ हमारे क्या है, पॉइंट हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, सोल्ड करने वाले, ये ICs जो होती है आयरन से सोल्ड होती है। किससे होती है, आयरन से। आप SMD से भी कर सकते हैं, आयरन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ICs के दोनों तरफ पॉइंट होते हैं वो होती है हमारी ICs। इसको क्या कहते हैं, ICs। इसके बाद जब आप यहाँ पर चलेंगे, जिस आईसी के चारों तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं पिने हैं, जिस आईसी के चारों तरफ पिने होते हैं, इनको बोलते हैं चिप आईसी। इसको क्या कहते हैं, चिप आईसी। वो आईसी है, इसको बोलते हैं चिप आईसी। इसके बाद ये हमारा क्या है, देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये क्या है हमारा, ये भी एक ICs है, इसको भी क्या बोलेंगे, ICs। तो हमारा ये भी ICs है, ये भी ICs है, ये भी ICs। मैंने बताया था दो पॉइंट जिधर होते हैं उसको बोलते हैं ICs, जिसके चारों तरफ पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं चिप ICs। जिस ICs के अंदर हमें ऐसे आप बॉल दिख रहे हैं ना, जो बॉल ICs लगाने के बाद हमें उसके शोल्डर पिन प्रिंट कुछ नहीं दिखता है, वो ICs के नीचे छुप जाता है, उसको बोलते हैं चिपसेट ICs। इसको क्या बोलते हैं, चिपसेट ICs इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ICs के बारे में पहचान बताई है कि इस ICs को क्या कहते हैं। वीडियो तो छोटा सा है लेकिन आपके लिए एक किस्म मैंने जानकारी दी है कि कौन सी ICs को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। ये ICs के दोनों तरफ पिन होते हैं इसको कहते हैं ICs, जिसके चारों तरफ पिन होती हैं इसको कहते हैं चिप ICs, जिसके बॉल नहीं दिखते हैं उनको कहते हैं चिपसेट ICs। इनको आयरन से लगा सकते हैं, जिनके पिन होते हैं आयरन से लगा सकते हैं, जिसको पिन नहीं होते हैं इनको SMD के हॉट एयर गन की मशीन से आप लगाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के दी है ICs को पहचान इस तरीके से हम करते हैं, ICs, चिपसेट ICs, ICs के बारे में। लेकिन जो भाई आना चाहते हैं अक्टूबर के बैच में, उसकी बुकिंग चालू है, आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। और सितंबर का बैच हमारा फुल है। आपको फॉल्ट के वीडियो देखने हैं या ट्रेसिंग का वीडियो देखने हैं तो वो वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपने ये वीडियो देखा तो पीछे की भी वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से